हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। दिस इज़ निरंजन तिवारी। सो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे इग्नू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस मास्टर्स के लिए, उसमें हम MPA 13 जो आपका सब्जेक्ट कोड है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसका टॉपिक है सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन। तो आज हम पिछला 3 चैप्टर हमने देख लिया है, उसमें हमने देखा है कि सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन क्या होता है, उसका नेचर क्या है, उसकी स्कोप क्या है, सिग्निफिकेंस वगैरह हमने ये देख लिया है। फोर्थ में हम पढ़ेंगे कि फ्रेंड्स, सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन का राजनीतिक संदर्भ क्या होता है, इसमें हम चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात है कि किसी भी राष्ट्र का जो सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन होता है, पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट होता है, वो वहाँ का जो ट्रेडिशन होता है, जो कल्चर होता है, जो वहाँ का इकोनॉमिक सोशो और पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है, उसके अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट होता रहता है या उस पर निर्भर करता है। जिस तरह का वहाँ का एटमॉस्फेयर होगा, पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है, इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है, सोशल सिचुएशन कैसी है, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ का पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट होगा। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इंडिया का जो पॉलिटिकल व्यू है वो किस तरह से चेंज हो रहा है और उससे पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम आगे बात करते हैं। राजनीतिक संदर्भ, देखिए यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि समस्त राजनीतिक प्रणाली प्रबंधन का राजनीतिक तंत्र के विस्तृत कार्य क्षेत्र में किया जाता है। इसलिए किसी भी देश की राजनीतिक परिवेश में बदलाव आने से ऑब्वियसली आपको पता है पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट जो है वो पॉलिटिकली ही डील किया जाता है। अब वहाँ किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम में, पॉलिटिकल मैनेजमेंट में अगर चेंज आ रहा है तो ऑब्वियसली वहाँ के सार्वजनिक जो पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट है, सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन है, उसमें बदलाव आएगा ही आएगा। तो यही कह रहा है इसमें, स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने लोकतंत्र के संसदीय रूप को भारत के एक संस्थागत प्रारूप के रूप में स्वीकार किया। शासन की इस प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। सबको पता है कि जो हमारी कार्यपालिका है वो विधायिका के अंदर है, मतलब कि प्रधानमंत्री वगैरह जो मंत्रिमंडल है, जो कैबिनेट है, वो पार्लियामेंट के प्रति अकाउंटेबल है। भारतीय शासन प्रणाली दो विख्यात प्रारूपों का साझा रूप है। भारत की जो शासन प्रणाली है वो दो रूपों से मुख्यतः मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? एक तो है अमेरिका की प्रणाली, दूसरा है ब्रिटेन की प्रणाली। अमेरिका की कौन सी प्रणाली? अमेरिका में जो लिखित संविधान है और न्यायिक समीक्षा की जो बात है वो हमने वहाँ से उठा लिया। ब्रिटेन से जो संघीय व्यवस्था चली आ रही है ब्रिटेन की, या जो संसदीय व्यवस्था चली आ रही है, संघीय और संसदीय दोनों की, संसद होते हुए भी जो संघ है उसकी व्यवस्था, इन्हीं दोनों से भारत की व्यवस्था बनी हुई है। भारत का जो सिद्धांत है वो इन्हीं पर निर्भर करता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि विगत 50 वर्षों से सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन के माध्यम से देश संपूर्ण विकास का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। इन प्रमुख राजनीतिक विकासों का उल्लेख इस प्रकार किया जा रहा है। देखिए, इन 50 सालों में जो चीज़ें हमने देखी, जिस तरह से बदलाव आए, तो क्या क्या बदलाव आए राजनीतिक संदर्भ, क्योंकि हम राजनीतिक संदर्भ की बात कर रहे हैं तो हम राजनीतिक संदर्भ में हुए बदलावों की भी बात करेंगे। सबसे पहले प्रक्रिया में परिधि से केंद्र पर अत्यधिक जोर डालने वाले क्षेत्रीय दलों का विकास हुआ। अब क्या आप देखेंगे कि शुरू में जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय सिर्फ कांग्रेस था। आप देखेंगे कि आपने पढ़ा होगा कांग्रेस सिस्टम भी एक समय चला आया था, जब रजनी कोठारी ने वोट दिया था तो कांग्रेस सिस्टम। उसके बाद अब देखिए, अब फिलहाल इतने सारे, मतलब 200 से ज़्यादा क्षेत्रीय पार्टियां हैं, अलग अलग पार्टियां हैं जो अच्छे लेवल पे हैं। बाकी पार्टियां तो 2000 से भी ज़्यादा हैं, पर 200-250 के आसपास बहुत अच्छी अच्छी पार्टियां हैं जो केंद्र पर जोर डालती हैं। दूसरा, राजनीति का संप्रदायीकरण हो गया है, आपराधिकरण हो गया है, जिससे कि जो हमारी सेकुलरिज्म, जो धर्मनिरपेक्ष की इमेज थी, वो किसी तरह से ख़त्म हो रही है। आज देखिए, जितने भी लोकसभा में मेंबर हैं उनमें से लगभग 50% तो क्रिमिनल केस हैं उनके ऊपर। उसी तरह से केंद्रीय शासन का नियंत्रण अपेक्षाकृत कम करना, अब सेंट्रल का जो पावर है उसे कम किया जा रहा है। सत्ता और संसाधन के संदर्भ में बढ़ती स्वायत्तता को की अभिवृत्ति करने की मांग, और राजनीतिक प्रणाली के वास्तविक संघीकरण का समर्थन करने वाले राज्य, स्टेट को ऑटोनॉमी दी जा रही है, स्टेट अपने ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, बदलाव आ रही हैं। साझा संस्कृति और विभिन्न दलों के संबंध के साथ केंद्र और राज्यों में मिली जुली राजनीति, तो केंद्र और राज्य मिलकर अब काम कर रहे हैं, ये भी देखने को मिल रहा है। उसके बाद जात धर्म और निजी क्षेत्र हितों जैसे अनेक पहलुओं के आधार पर भारतीय तंत्र का विघटन,
आप देखिए जब भी वोटिंग होती है, जब भी कुछ भी होता है, तो जाति धर्म के आधार पर बांट दिया जाता है, और अभी भी समाज में ये सारी चीज़ें हैं, और भारत की राजनीति इस पर बहुत पूरी तरह से निर्भर करती है। उसके बाद प्रजातांत्रिक नैतिकता में कमी आने लगी है। लोक कल्याण को बढ़ाने की प्रक्रिया के अलावा राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने का साधन बन गया है। आप देखिए कोई भी राजनीति समाज के लिए नहीं आता जाता, कहते तो सब हैं कि हम समाज के लिए आ रहे हैं, लेकिन समाज के लिए कोई नहीं आता, सब अपने लिए आते हैं और अपनी पावर दिखाने के लिए आते हैं। मुख्य मुद्दा यह रहा है कि स्थानीय स्तर पर महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ाना, गरीब और सामाजिक रूप से अपेक्षित वर्गों को अधिक अधिकार देकर राजनीति का आधार व्यापक किया गया है। ऐसा हुआ है क्योंकि आप डिसेंट्रलाइजेशन की जब बात करेंगे, विकेंद्रीकरण की बात करेंगे, तो पंचायत लेवल पर 33% जो छूट महिलाओं को दी गई है, वो कहीं ना कहीं, और SC ST को जो आरक्षण दिया जाता है, कहीं ना कहीं उन्हें राजनीतिक में समावेश करने के लिए ही किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम देखेंगे भारत में सामाजिक विखंडन और भारत में सामाजिक विखंडन और क्षेत्रीय विभिन्नताओं के परिणाम स्वरूप बहुदलीय प्रणाली वाली मिलीजुली अल्पसंख्यक राजनीति ने भारतीय शासन राजनीतिक शासन में प्रवेश किया। अब अल्पसंख्यक जो सरकार हो जाती है, मिलीजुली सरकार बनती है, वो ठीक से काम नहीं कर पाती, ये सारी चीज़ें भी आई हुई हैं जो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती हैं हमारे पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट को। यहाँ हम देखेंगे कि जब संघवाद की आप बात करते हो कि संघवाद कितना स्ट्रांग हो रहा है, संघवाद आपको पता है केंद्र सरकार में या केंद्रीय राजनीति में राज्यों का भी उतना ही रोल होता है जितना कि राज्य अपने स्टेट में होते हैं। उसका रोल होता है राज्यसभा के थ्रू, क्योंकि राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो डायरेक्टली स्टेट के होते हैं, ये हम सब जानते हैं। अब राज्यसभा भी अपने आप को उतना मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, दिखाने की कोशिश कर रहा है। वही यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है कि 2002 में आतंकवाद निरोधक अध्यादेश को रद्द कर दिया था राज्यसभा ने, जो दिखाने की कोशिश करता है कि हम भी अभी भी पावरफुल हैं और इसका काम कर सकते हैं। उसी तरह से उसके बाद उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण जो परिस्थितियाँ बदल रही हैं, जिसके कारण भारतीय राजनीतिक प्रशासन का जो ढांचा है वो बदल गया है। प्लीज़ आप इसको रीड कर लीजिएगा, मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं या क्या हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो परिवर्तन किया गया है, बट चेंज तो हुआ है, लेकिन अभी भी पार्लियामेंट सर्वे सर्वा है। 1990 के दशक में भारतीय राजनीति में नए चरण के जो आए थे उनसे प्रजातंत्र संकटों का सामना करना पड़ा था, जहाँ एक तरफ आर्थिक चुनौतियाँ थीं तो दूसरी तरफ जो केंद्र थी उसको भी अपनी पहचान की संकट दिखानी थी। इसमें बस बताया गया है कि किस तरह से राजनीति चेंज हुई है। तो विपक्ष उस पर दबाव डाल रहे थे, उसकी तरफ आपको पता है कि 1991 में LPG आया था, तो एक आर्थिक चुनौती भी थी, उससे काफ़ी ज़्यादा भारत का जो राजनीतिक प्रशासन है वो बदला, जिससे सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन पर इम्पैक्ट पड़ा। उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट और रोचक मुद्दा है नौकरशाही का व्यवसायीकरण। जब आप बात करते हो कि नौकरशाही का व्यवसायीकरण क्या हो गया, व्यवसायीकरण का मतलब होता है कि अपने लाभ के लिए अब नौकरशाही की जाने लगी है, उसका भी कारण नौकरशाही का राजनीतिकरण है। जब राजनीतिकरण होगा, जब नौकरशाही में ना चाहते हुए भी राजनेता इंटरफेयर करेंगे, तो अब जो नौकरशाही हैं, जो नौकरशाह हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो कहीं ना कहीं राजनीतिज्ञ पर, पॉलिटिशियन पर डिपेंड हो जाएंगे और अपने स्वार्थ की बात करने लगेंगे, तो वो निष्पक्ष होकर अपना काम नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई निष्पक्ष और ईमानदार ब्यूरोक्रेट्स नहीं है, नौकरशाह नहीं है, ऐसे हैं, लेकिन उनके ट्रांसफ़र की खबरें आए दिन आपको मिलती रहती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी प्रभावी सेवाएं नहीं दे पाते हैं। 354 जिला अधिकारियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया था कि जो सेवा काल है वो ठीक से उन्हें नहीं दिया पाता। अब कोई IAS किसी जगह पे पोस्टिंग होता है तो उसे 3-4 महीने ये समझने में लगते हैं कि वहाँ का सिस्टम चल कैसा रहा है। हो सकता है वहाँ की लोकेलिटीज़ को समझने में उन्हें प्रॉब्लम आ रही हो, वहाँ के सिस्टम को समझने में प्रॉब्लम आ रही हो, तब तक तो उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। क्या पॉलिसी चल रही है, क्या प्रोग्राम वहाँ पर चलाए जा रहे हैं, इनको समझते समझते उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस तरह से जो विकास कार्य है, ये देखिए इसी तरह से जो सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन है वो इम्पैक्ट हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ देखिए आज अत्यधिक चिंता का विषय है नौकरशाहों के बढ़ते राजनीतिक संबंध, जो लोक हित के बजाय निजी स्वार्थ की दिशा में काम कर रहे हैं। ये हमने बात कर ली यहाँ पर।
अब यहाँ पे लोक सेवा के सुधार के लिए 2004 में पीसी होता कमेटी बनाई गई थी, जिसमें बात किया गया था कि लोक सेवक के जो कार्यकाल हैं वो फिक्स होने चाहिए, चाहे वो कैबिनेट सचिव हों या जिला मजिस्ट्रेट हों, सबके कार्यकाल फिक्स होने चाहिए। उन्हें बताया जाना चाहिए कि आप कितने साल तक रह सकते हैं, या 2 साल 3 साल का कार्यकाल दिया जाना चाहिए, उससे पहले उन्हें नहीं हटाया जाना चाहिए। राजनीतिक दखलअंदाजी बंद करनी चाहिए। तो सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन को राजनीतिक प्रणाली की उस कार्यशैली को समझना अत्यंत आवश्यक है जिससे उसका अस्तित्व है, क्योंकि राजनीति से ही सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन है। अगर आप वो नहीं समझ पाएंगे, राजनीतिक संदर्भ को नहीं समझ पाएंगे, तो सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया, नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी। तो हमने ये देख लिया, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि राज्य को पीछे हटना, या इसके अभी 4 पॉइंट और हैं तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने पिछला लेक्चर या पिछला चैप्टर मिस कर दिया है तो प्लीज़ आप वहाँ पे देख सकते हैं, और इससे रिलेटेड और भी इग्नू के क्लासेस चलते हैं या एमए के पॉलिटिकल साइंस के क्लासेस चल रहे हैं, तो आप हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।